तो मेरे पीकेएंस फाइनली गणपत का ट्रेलर आ चुका है, जिसका मैं ज्यादा वेट तो नहीं कर रहा था, फिर भी देख लिया। देखिए सीधी बात बोलूंगा, जिनको कुछ आती नहीं वो गाली सुनने वाला काम करते हैं, और वही काम किया है गणपत वालों ने आदि पुरुष के साथ, तो इसका नाम जोड़ ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके ट्रेलर के शुरुआत में एक डायलॉग आता है जिसमें कहते हैं, एक दिन ऐसा योद्धा पैदा होगा जो अमर होगा, वो अमीरों और गरीबों के बीच के दीवार को गिराएगा, वो योद्धा मरेगा नहीं बल्कि मारेगा। और इस डायलॉग के साथ ही इस ट्रेलर को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें एक्शन भी है और लव स्टोरी भी, और वो भी बिना काम धाम का। क्योंकि मेरे भाई एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ नया है, वही घिसा पिटा एक्शन जो हमने टाइगर के पिछले फिल्मों में देखते आ रहे हैं। ये चीज सच है कि एक बेस्ट फिल्म के लिए एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है डायलॉग्स के मुकाबले, क्योंकि ऐसी फिल्मों में ज्यादा लोग एक्शन पे ध्यान देते हैं ना कि डायलॉग्स पे। पर फिर भी सच्चाई ये है कि इसमें से कुछ भी टाइगर साहब को नहीं आता है। और भी बहुत सारी चीजें ट्रेलर के अंदर है तो उसको भी जान लेते हैं, जिसमें गणपत के ट्रेलर की शुरुआत एक अलग दुनिया से की जाती है जो साल 2070 की दुनिया होती है। पर मेरे भाई सच बताऊं तो जैसा दिखाया है, जैसे कि एक्सट्रीम लेवल पर अमीरी और गरीबी, इसके ट्रेलर के कुछ सीन्स देखकर वो अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क लगता ही नहीं है कि भाई ये अमीरी वाला सीन है या फिर ये गरीबी वाला सीन है, बीच वाला इन्होंने रख दिया है। जैसे कि नेता जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, इसमें अमीर और गरीब के बीच का फर्क दिखाया जाता है। और तभी एंट्री होती है बुरे से बुरे एक अमीर शैतान की, जिससे अगर तुम पूछोगे कि भाई तेको क्या चाहिए, लड़की या फिर पैसा, तो वो कहेगा भाई पैसा। इस बंदे के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। अब किसी तरह कृति सेनन इन अमीरों के चुंगल में फंस जाती है, जिसके बाद शुरू होती है गुड्डू से गणपत बनने की कहानी। वैसे VFX एंड CGI बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, तो जो सीन्स बाहर के हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, उनको अच्छा बनाया गया है, पर इंटीरियर मतलब जो क्लोज सीन शूट हुए हैं उनमें VFX अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, VFX एंड CGI अच्छा तो लगा है, कितनी भी बुराई कर लो। टाइगर श्रॉफ को जो डायलॉग्स दिए हैं वो पूरे क्रिंज लगते हैं कसम से, ये सुनने के बाद बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। लेकिन इस ट्रेलर में सबसे कमाल का जो कैरेक्टर लगा है वो है अमिताभ बच्चन और कृति सेनन का कैरेक्टर, क्योंकि ऐसे लुक्स बहुत कम दूसरी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है वो भी गरीबी है जो शैतान के बारे में बताता है। इसके साथ ही कृति सेनन का जो कैरेक्टर है वो विमेन पावर को रिप्रेजेंट कराता हुआ दिखता है, जैसे कि पठान और जवान में दिखाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शैतान के ऑरा में एंट्री करने के लिए या फिर उससे फाइट करने के लिए या फिर कृति सेनन को बचाने के लिए टाइगर यानी अपना गणपत बॉक्सिंग चैन में एंट्री लेगा, जिसमें अलग अलग लेवल पर इनकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गरीब राज्य में जो बॉक्सिंग खिलाए जाते हैं उसकी भनक शैतान को लग जाती है और वो पैसा मांगता है, जैसे सारा काम तुम करो, 90% मेरा होगा और 10% तुम्हारा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि VFX एंड CGI अच्छे थे, पर वो शैतान का सेरू शैतान, उसको हमारे लैंग्वेज में सिवा का यानी सिवा जैसा कार्टून बोला जाता है। वैसे आपको ये कैसा लगा आप कमेंट में बताओ।